खाली मुंडी मुंडी दिख रही है, ये मुंडी कैसे ला रहा है? क्या है ये? गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, में आपका अपना भाई कॉलेज स्पाई। सो गाइस देख सकते हो आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक, 10 बच्चे हैं हमारे साथ और एक हमारे साथ एक फीमेल टीचर है जो कि मेरी बड़ी बहन जैसी है, फ्रेंड है, वो भी जा रही है मेरे साथ। और वहाँ पर देखते हैं क्या कारनामे होते हैं, मौज मस्ती करेंगे और कहाँ पर जाते हैं चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग बने रहना ब्लॉग के अंदर, बहुत आएगा मज़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कोई मेरे से ये मत पूछना कि आप पिकनिक कैसे जा रहे हो, मैं दोबारा स्कूल पढ़ रहा हूँ इसीलिए पिकनिक जा रहा हूँ। ये एक सीक्रेट है, ये मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ कि मैं पिकनिक कैसे जा रहा हूँ। बाकी मैं चीज़ें आपको, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोग देखो, आप लोगों की यादें हो जाएंगी ताज़ा, स्कूल में आप लोग भी ऐसे पिकनिक पे जाया करते थे लाइन बना के जैसे हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं हूँ, ये सारे मेरे बच्चे हैं, हम 10 बच्चे जा रहे हैं पिकनिक और अब जा रहे हैं ऑटो में, फिर ऑटो से बस में, बस से फिर अपना पूरा ऊपर टूर स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखो फाइनली पहुंच चुके हैं साइंस म्यूजियम। ये हमारा पहला क्या प्लेस जहां पर हम टूरिस्ट में आए हैं पिकनिक करने के लिए। सारे बच्चे लाइन लगा के आ रहे हैं सारे। ये दूसरी मैम है साइन, बाकी भी सारे हमारे स्कूल के बच्चे सारे पिकनिक। वो रहा भाई सामने नेशनल सेंटर ऑफ क्या है, वो नेशनल साइंस सेंटर यानी साइंस म्यूजियम जो भी है, वहां पे चलते हैं। और गाइस आपके बचपन की यादें ताज हो जाएंगी। और सच सच बता देना, दिल्ली में जो भी बच्चा कभी भी पिकनिक गया अपने स्कूल के तरफ से, तो ये सच सच बता देना कि आप लोग इस साइंस म्यूजियम में आए या नहीं। अब देख लो साइंस म्यूजियम, हमने आपके साइंस म्यूजियम राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, ये हमारे बच्चे, ये यमन मैम, फातिमा और ये सारे बच्चे हैं, ये पूरे के पूरे हमारे स्कूल के हैं ये। अरे वाह, आज तो व्लॉग ही डाल दूंगा यूट्यूब पे। रफीक सर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब एंट्री लेंगे। और ये देखो गाइस डायनासोर, देखो जब तक ये डायनासोर छत पे कैसे चिंगार रहा है। तो इधर देखो जुबेर उबेर सारे, इधर देखो अब ये सारे बच्चे जा रहे हैं पिकनिक मनाने बिल्कुल खुशी से। ओए लाइन नहीं तोड़ना खुशी में, ठीक है ना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी, नाम चलना चाहिए। तो गाइस अब इन सब की हो रही है एंट्री साइंस म्यूजियम के अंदर, सारे बच्चे। और आगे हो बेटा, थोड़ा थोड़ा आगे हो। हाय हाय बेटा, फुल एंजॉय करना। ताजमहल गाइस देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आपको देख रही हूँ। बैक कैमरा, व्हाट कैन वी डू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, वो है वो। गाइस यहाँ से ऊपर चलोगे सीढ़ी से चढ़ के तो ऊपर आपको उधर और आप साइंस म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हो सीढ़ी से चढ़ के। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल सेक्शन आ गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह।
गाइज यहाँ पर आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ये गाइज अपने एंशियंट टाइम के बहुत सारे स्कल्पचर वगैरह हैं, सम्राट यंत्र, ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की जो टेक्नोलॉजी थी उस समय की आधुनिकता जो थी। गाइज ये देखो चक्र, टू द ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा एंशियंट मैप, रिकंस्ट्रक्शन बैरोमा सीन्स फ्रॉम इंदस वैली। इंदस वैली गाइस वो ये सिंधु नदी, इधर एंट्री नहीं है गाइस, ये सारी चीजें आप लोग देख लो, बताओ ना ये देख के कैसा लग रहा है हिस्टोरिकल चीजें। अरे बहुत बढ़िया, ये पता क्या चीजें हैं ये, जब आप पुराने जमाने में जो इंसान थे ना वो किस तरीके से, देखो आग कैसे जला रहा है वो, वहाँ पर वो किस तरीके से मटके वगैरह बना रहा है, वहाँ से वो अपना कैसे ये चूड़ी वगैरह बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को सीखने के लिए मिलेगी, हिस्टोरिकल का पार्ट है। ये देखो गाइस घुमाओ, सारे बच्चे घुमाओ, ये क्या है, त्रिगुना, त्रिगुना है वो, त्रिगुना, ये त्रिगुना है, ये आपका तन्मात्र है, ये पंचभूत है, एटम्स 2500 ईयर्स है, 2500 साल पहले, ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वर्ड न्यूमरल्स, बिग नंबर्स, डेसिमल प्लेस वैल्यू, जीरो द इंडियन इन्वेंशन। तो गाइज ये सारी चीज़ें आपको साइंस म्यूजियम में देखने के लिए मिलेगी, गोल्डन रूल ऑफ थ्री। गाइज अच्छी तरीके से आप इस चीज़ का टूर कर लो। गार्ड अंकल कुछ कहना चाहोगे साइंस म्यूजियम के बारे में? भाई हाँ, हम तो बस कुछ बताओ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बहुत चीजें सीखने के लिए मिल रही होगी। बोल दो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बोलो जल्दी बोलो। अरे ये बात, बहुत बहुत शुक्रिया। लेजेंडरी इंडियन बूट्स स्टील, ये स्टील का काम कर रहा है, ये अपना चक्र वगैरह, ये मूर्ति नहीं, वो नटराजन की मूर्ति है, वो नाचते हैं ना, तो नाचते हैं, वो डांसिंग का एक अपना सिंबल है, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। यहाँ पर देखो ये सारा का सारा, इधर देखो इधर कपड़ों का हो रहा है काम, कैसे कपड़े बुनते बुनते हैं, वीविंग वगैरह, ये सारे कपड़ों का है मामला। इधर देखो भरत, कम यार, ऑटोमेटिक साइकिल है ये, गाइस देखो बोन्स वगैरह, समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ तो है, नहीं मैं नहीं मानता। ये आ गए डायनासोर के जमाने में बेटा, ये डायनासोर का जमाना है। डायनासोर जोरासिक पीरियड है, सारा का सारा जोरासिक पीरियड है। ये मुंडी कैसे ला रहा है ये? उस समय का शेर था ये, स्माइलोडॉन। क्या है ये? मिरर गेम भाई, पूरा गाइस आओ साइंस म्यूजियम में मौज मस्ती करने के लिए।
मतलब टकराई तो सकता आदमी से ज्यादा क्या होगा। अरे बेटा इसके अंदर एक की तुम हजार बन जाओगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 18 इमेजेस बनेंगे इसके अंदर। ये हंस रही है, रो रही है, क्या कर रही है? क्या ही? क्या हो रहा है? करने वाली चीज सही है भाई। खाली मुंडी मुंडी दिख रही है। भाई ऐसा लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो। भाई ये गरम और ठंडा एक साथ लग रहा है, पता नहीं पर मुझे कुछ नहीं लग रहा। गाइस आप लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा खेला होगा ज्योमेट्री बॉक्स, ऊपर रहता है ये छोटी 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 गोलियां रहती है इसके ऊपर। थ्री डी है जैसे दूसरे दूसरे स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं। साइंस म्यूजियम का टूर आपको छोटा सा जितना करवा सकता था करवा दिया मैंने। गाइस ये देखो मैंने छोटा सा टूर करवा दिया आपको जितना करवा सकता था। गाइस हम दोबारा वहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। गाइस ले रहे हैं एग्जिट।